नमस्ते। नमस्ते सर। मेघना जी, पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं मुंबई कांदिवली मुंबई से हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ सर, और मैं बचत गट से जुड़ी हूँ, और मैं मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर। और मैं ये व्यवसाय जब ही चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का। तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। और मेरे दो बेटे होने के, सिंगल मदर होने के कारण मुझे बेटों को पढ़ाना था। तो मेरा बड़ा बेटा बाहर गाँव में पढ़ रहे फ्रांस में, तो उसके पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए था सर। ये आपकी योजना आई और मैंने मेरा व्यवसाय आगे बढ़ाया और मुझे मुद्रा एजुकेशन लोन भी मिला। एजुकेशन लोन के साथ में भी मुझे स्वनिधि का भी लोन मिला सर। स्वनिधि के साथ में समृद्धि का भी मुझे, यानी मुद्रा योजना, मुद्रा का लाभ, एजुकेशन का लाभ और स्वनिधि का लाभ। हाँ सर, ये सब मुझे आपकी वजह से मिला सर। अपने योजना नहीं लाते तो मैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विदेश नहीं भेज सकती थी। अच्छा, योजनाएं प्राप्त करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी? नहीं सर, जरा भी। में बैंक में आपने अप्लाई किया और मिल गया? नहीं सर, मुझे दिक्कत नहीं आई। मैंने मेरा पेपर बैंक में दिया और 8 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसे आए सर। और जो लोन मिला है वो आप समय पर बैंक में जमा कर देती है पैसे? हाँ सर, मैं सही समय पे पैसा देती हूँ सर, भरती हूँ। और मुझे स्वनिधि का 10,000 मिला है, वो भी मैं सही समय पे बैंक में देती हूँ। और मैं अगला 20,000 का भी लेना चाहूंगी सर इंस्टॉलमेंट। देखिए, स्वनिधि में अगर आपका ठीक से कारोबार किया और UPI से किया डिजिटली, तो फिर आपको दूसरा लोन मिल सकता है, फिर तीसरा मिल सकता है, और उसमें धीरे धीरे ब्याज कम होता है, वो आपको पता है? हाँ सर। तो दूसरे के लिए आपने अप्लाई किया है? सर, अभी मेरा ये थोड़ा सा ही बाकी है, ये जैसे ही मैं पेड करूंगी सर, मैं दूसरा जरूर लेना चाहूंगी। अच्छा, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं मेघना जी? सर, मेरे साथ अभी मैं जिधर कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, उसमें मेरे साथ में मैं 25 मेरे बहनों के काम दी हूँ। और हमारे आधारिका समाज संस्था में हम लोगों ने आपका जब भी PM कौशल विकास योजना का जो सिलाई का प्रशिक्षण लिया, तभी हम लोग वहाँ पे ही काम करते थे सिलाई का। तो 100 महिलाएं कम से कम आधारिका समाज में काम करती है, और हम श्री श्री रविशंकर जी के वहाँ से हमको थैली सिलाने का बड़ा काम मिलता है सर। और उसके अच्छा, साथ तो में वहाँ से आपको काम भी मिल जाता है? हाँ सर। और उसके साथ हम लोगों ने हैंडमेड रजाई का भी काम किया, जो कि अमेरिका और कनाडा में एक्सपोर्ट हुआ सर। आप विदेश में काम भेज रही हो सर? हाँ सर, आपकी वजह से सर ये सब कुछ हो पाया। नहीं तो आपके अगल बगल के लोगों को पता है कि मेघना जी ने इतना बड़ा कमाल कर दिया सर? मैं जिनको पता नहीं है उनको भी मैं बोलती हूँ सर कि आप लोग भी इसका योजना का लाभ लीजिए, जैसे कि मैंने लिया। मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया, सिंगल मदर होने के बाद भी मैंने आपकी वजह से मेरे बच्चों को पढ़ा के विदेश भेज सकी सर। वैसा ही मेरे सब बहनों को मैं बोलती हूँ, और मेरा छोटा बेटा सर। आप ये लोगों को जो रोजगार दे रही है, हाँ सर, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या अनुभव आता है? सर, उनको पहला काम नहीं था सर, कोरोना में भी उनको काम नहीं मिल रहा था, पर मैं कोरोना के टाइम में भी टिफिन बनाती थी, जो रोटी बाजी खिचड़ी बना के मैं BMC में कर्मचारी को देती थी सर, तभी भी उनका घर चलता था, ताकि मेरा व्यवसाय चालू था तभी सर। तो बहुत खुश थे तभी। मेघना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। मैं एक, आपने साबित कर दिया कि हमारे देश की आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। अच्छा, ये सर आपकी, आपने ना सिर्फ अपना काम आगे बढ़ाया बल्कि दूसरे लोगों की भी चिंता की। हमारी सरकार आप जैसे दृढ़ निश्चयी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मुझे खुशी है आप सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां पर जाना है अभी सर। मैं